हेलो गाइस, वेलकम बैक जस्ट ब्लॉग। आई होप यू फाइन। आई एम लीला, यहाँ पर मैं अच्छी हूँ। ओ, यहाँ से ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सुबह सुबह तैयार हो गई महारानी। इलिया ना देखो कब बैठी हुई है, कि सर्दी लग रही है इसको, इतनी हवा चल रही है। और ये है पतंग की तैयारी, तंग बांधने जा रहे हैं कल के लिए। कल ही है ना तेरी संक्रांत। हाँ। इसकी संक्रांत भैया कल ही है। और यहाँ पर एली बैठी हुई रेडी होके। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल। एलिफ हाय, एलिफ से हाय, एलिफ से हाय। थोड़ी डीप में जा चुकी है और यहाँ पतंग बन रहे हैं बहुत सारी पतंगों के। सुल्तान हमारा पतंग के चक्कर में उसकी तंग बांधना बहुत मुश्किल का काम है ना सुल्तान। देखो कितना मुश्किल का काम है। तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ और मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था व्लॉग। और बस पहले मैं नहा के आ जाऊँ, फिर उसके बाद मैं स्टार्ट करूँगी और इंट्रो दूँगी मैं, पहले नहा के आ जाती हूँ। बस अभी जस्ट मैं नहा के आई हूँ, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और पानी भी है ना बिल्कुल ही कम हो गया था उसका, ठंडा पानी आने लग गया था। ठंडे पानी से नहा के आई हूँ मैं, लगी थी। तो मैं यहाँ पर अब स्किन केयर करने वाली हूँ, विटामिन सी, और हमेशा जो यूज़ करती हूँ मैं आप सबको बताती हूँ, और ये लिप टिंट और चिक टिंट, ये चीज़ करूँगी बस मैं, ये तीन चीज़ें। और मॉइस्चराइज़र मैं अंदर भूल गई, क्योंकि मैं वो मॉइस्चराइज़र इसलिए मैंने इन्हें लगा दी अभी लोरियल का, क्योंकि मैं विटामिन सी का लगा रही हूँ ना सीरम, तो इस वजह से। तो मैं जल्दी से ही कर लेती हूँ क्योंकि मुझे बाहर भी जाना है, क्योंकि घर का सौदा लेने जाना है मेरे को, और थोड़ी बहुत चीज़ें ना खाने की, मेरे को खाने की इच्छा हो रही है, तो बस वो लेने जाना है मेरे को। जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो खाना खा के बस हम निकल ही रहे हैं, क्योंकि मुझे मार्केट में काम है, खाने पीने की चीज़ें लेके आनी है और सोडा भी लेके आना है। तो बस एलिफ को ही लेके जा रही हूँ यहाँ पर मैं, तो बस एलिफ ही जा रही है मेरे साथ में। पहले पहुँच जाती हूँ क्योंकि वहाँ पर क्या है भीड़ रहेगी, तो फिर मैं व्लॉग नहीं बना पाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने ये सोडा लेके आ चुकी हूँ, पूरा सब्जी वगैरह सब लेके आ गई मैं, ब्रेड वगैरह जो भी कम था ना, और फ्रूट्स भी लेके आ गई मैं यहाँ पर, क्योंकि फिर बार बार मेरा जाना नहीं होता, एक बार जाती हूँ। तो अब मैं सारे जो सब्जियां हैं, क्योंकि मैं फ्रिज में रख रही हूँ क्योंकि सड़ जाएगी इस वजह से, और जो एक्स्ट्रा है वो मैं बाहर ही रख दूँगी, क्योंकि हमारा फ्रिज देखो कितना छोटा सा है, तो इस चक्कर में जितना सामान आएगा इतना ही तो रखूँगी ना मैं, तो बस उसके हिसाब से ही रख रही हूँ यहाँ पर। और पहले मैं जमा लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। इसमें मेरी हेल्प करा रही है एलिफ, ये मेरी सारी हेल्प करा देती है साथ में। मिर्ची वाली तो रही है कितने के दिए आपसे मिर्ची वाली? सैंडविच बना के खाया अभी? और टू टमेटो। तो यहाँ पर मैं गोलगप्पे का पैकेट लेके आई हूँ, वही बता रही थी मैं, क्योंकि लियाना बहुत दिनों से मांग रही थी गोलगप्पे। और ये पैकेट मुझे 50 रुपये का मिल गया था, वैसे 55 रुपये का था। इसके अंदर चटनी, पानी और गोलगप्पे ये सब हैं इसके अंदर। तो अब मैं बस इनकी जो खाने पीने की चीज़ें हैं जैसे सूप और पॉपकॉर्न, ये सब इसमें रख रही हूँ मैं, ताकि इनको ईजीली मिल जाए। और गुड़ और ये तेल के पाउच वगैरह सब तो मैं अंदर लेके जाऊंगी डब्बे में भरने के लिए, क्योंकि डब्बे में खाली हो चुके हैं। मैगी के पैकेट सब मैं यहीं रख रही हूँ उनके, और नूडल्स भी मैं इसमें ही रख रही हूँ, क्योंकि ये बहुत दिनों से नूडल्स मांगते हैं। और कल तो मैं इससे कह रही हूँ बस
तो अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और अभी मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राई और सैंडविच और स्ट्रॉबेरी का शेक। ये चीज़ें बना रही हूँ। अब मैं आलू को काट के बता दूँगी आपको ये कैसे काटते हैं। पहले मैंने आलू को वॉश कर लिया अच्छे से 3-4 पानी में और फिर अब मैं बता रही हूँ काट के आपको कैसे काटना है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपके फ्रेंच फ्राइज बन जाएंगे और बहुत टेस्टी बने थे। एक भी नहीं बचा था, सब खत्म हो गए थे, सब बच्चों ने खा लिए थे। और आप ही मैं आज सुबह ही बनाऊँगी, ये कल कब लोगे? और आज है 14 तारीख, तो मैं आज भी बनाऊँगी बच्चों के लिए क्योंकि सुबह छत पर पतंग उड़ाएंगे ना, इस वजह से। तो मैं पहले काट के बता देती हूँ आपको। और यहाँ पर मैंने ये काट लिए शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज सैंडविच के लिए। और ये भी कट चुके हैं पूरे, ये देखो कितने अच्छे तरीके से काटे हैं मैंने। और यहाँ पर मैं मेयोनीज़ इतनी बड़ी लेके आई हूँ मैं, क्योंकि यूँ ही ख़त्म हो जाती है मेयोनीज़। तो और मैंने बस ब्रेड पे मेयोनीज़ लगाई है। अब टमाटर सॉस लगाऊंगी इसके बाद में, देन उसके बाद में थोड़ा सा मैं मसाला छिड़कूंगी, मैगी मसाला जो होता है वो। और ये इसको भी मैं अच्छी तरीके से लगा लूँगी यहाँ पर। तो पहले लगा लेती हूँ, फिर इसके बाद मैं डालूँगी टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज और ऊपर से ग्रेट करके और क्या बोलते हैं चीज़। देन उसके बाद में मैं थोड़ा सा और मैगी मसाला डालूँगी, फिर बन के रेडी हो जाएगा ये। अब मैं पहले जल्दी से इसको फिल कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने फ्रेंच फ्राई बनाना स्टार्ट कर दिए। स्ट्रॉबेरी शेक भी बन चुका है और आप सैंडविच भी बन चुके हैं पूरे, देख लो आप। और ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। आई होप आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। बिल्कुल भी कंजूसी मत करना, रेड बटन बजाओगे ना तो एकदम फ्री है। तो ये सब चीज़ें बन के रेडी हो चुकी हैं, अब हम खाने के लिए भी रेडी हो चुके हैं।